गाइस, तो फाइनली पूरे 5 दिनों के बाद आज फिर से लाइन आ गया घर में। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आपको हमारा यह ब्लॉग अच्छा लगे। अभी तो हम जा रहे हैं खाना खाने, तो देखते खाने में क्या बना हुआ है। तो गाइस, सुबह के खाने में रोटी, चावल, सब्जी और चटनी बनी हुई, तो फिर हम यही जा रहे खाने। हम अक्सर छत पे ही खाते क्योंकि किचन रूम तो छत पे है, तो यहीं पे निकाल के खा लेते और हमेशा नीचे ही बैठना पसंद करते हैं हम। एंड आई होप आपको भी नीचे बैठ के खाना अच्छा लगता हो। खाना वगैरह तभी हम जाके चावल लें, आप देख सकते हैं चावल, दाल तो बनी नहीं है, तो भी हम सब्जी से ही खाने वाले चावल, कोई नहीं, साथ में थोड़ी सी चटनी भी है टमाटर की। तो गाइस, जो भी हम सुबह ट्यूशन जाने के लिए जो कपड़े पहने थे वो पहले चेंज कर लेते, उसके बाद चलते हम दुकान। भी शैम्पू लाने बोल रहे, नहाना है नहाना, तो इसलिए पहले कपड़ों को हम चेंज कर लेते हैं। जब से आए तब से भैया को ढूंढ रहे थे, बट वो तो लक्ष्मीपुर गए हैं, क्योंकि कल माँ और पापा जो गए थे वहाँ सरसों काटने के लिए, तो वही लाने गए सुबह सुबह भैया और पापा जी। तो कोई नहीं, आते थोड़े देर में अब दुकान से हम। मेरे आने से पहले दी किसी को दे दी थी शैम्पू लाने के लिए दुकान से, तो वो आ गया है, अब हमको नहीं जाना है। गाइस, तो भी दादी कपड़ा धो रही है, आप देख सकते हैं, देखा कि दादी कपड़ा धो रही है, हम जा रहे हैं नीचे। आप देख सकते हैं कितनी तेजी धूप की हुई है बाहर में, कड़ाके की धूप, ऐसी धूप तो बहुत दिनों के बाद की, ऐसा इसलिए लग रहा है। अब दिन भर तो घर से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगेगा। और पापा जी भैया सुबह ही गए लक्ष्मीपुर, जो अभी तक नहीं आए, पता नहीं कब तक आएंगे। गैस, तो भैया और पापा जी आ गए लक्ष्मीपुर से, भैया रहे यहाँ पे और पापा जी गए हैं बिजली हाउस टोकन लाने में, क्योंकि कनेक्शन तो जुड़ा नहीं है, अगर विदाउट टोकन जोड़ ले तो फिर केस हो सकता है, इसलिए टोकन लाने गए पहले। टोकन ला लेंगे तो फिर पापा जी खुद से बिजली कनेक्शन जोड़ लेंगे। भैया ने भी ऑनलाइन शॉपिंग किया था शॉपी ऐप से, तो ओनली फॉर 14 रुपीज़, तो अभी वही सामान आया, तो भैया गए वही लेने मंडप के पास, क्योंकि हमारा एड्रेस तो वहीं का रहता है, तो वहीं आता, तभी वहीं लेने गए। तो देखिए आता है तो क्या रहता है सामान, कुछ और नहीं बल्कि ये था जो फ्री फायर करने के खेलने के लिए अंगूठा में लगाने वाला एक आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में, तो वही है इसमें, मात्र 14 रुपीज़ का। फ्री फायर खेलते टाइम थोड़ा हाथ अच्छे से मोबाइल पे चलता नहीं ना था, तो इसलिए मंगा लिया अंगूठा में लगाने वाला। पता नहीं कितना खेलते फ्री फायर का होगा इससे। तो गाइस, अभी आप देख सकते हैं कैसा है, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में बताए, बढ़िया है, एकदम स्मूथली काम करते। देखिए अभी हम इसको स्क्रीन पे खींचते तो भी ये काम करता है, वीडियो को रोकते तो भी काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है ये फ्री फायर खेल, तो इसको मंगा सकते फॉर प्लेइंग स्मूथली फ्रॉम शॉपिंग ऐप। गाइस, तो फाइनली पूरे 5 दिनों के बाद आज फिर से लाइन आ गया घर में। आज गए थे पापा जी बिजली हाउस, उस टाइम तो बताए ही थे, तो आगे टोकन लेके और कनेक्शन भी जोड़ दिए, तो अब रहेगा ये बिजली। अब जो अनटाइमली अपलोड होता था यूट्यूब पे वीडियो, अब वो टाइमली अपलोड होगा, क्योंकि उस टाइम मतलब चार्ज नहीं रहने के कारण अनटाइमली वीडियो अपलोड होता था, अब तो ऑन टाइम चार्ज रहेगा, तो टाइम से अब अपलोड हो गया करेगा, कोई नहीं। गाइस, अभी तो हमारे घर में शादी का माहौल रहता, बट लड़का तरफ जो है ना, सो उनके चचेरे भाई का देहांत हो गया, तो उन्हीं के कारण शादी का डेट 2 महीना आगे बढ़ेगा, सो अब 2 महीने के बाद अप्रैल में होगा शादी, कोई नहीं। शादी को तो सारा कपड़ा वपड़ा खरीदा ही गया था, तो भी हमारा मोबाइल चार्ज नहीं था, सो भी हम बेंच पे ही बैठ के अपना काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप, इधर रखा हुआ कंप्यूटर और हम बैठे हुए हैं। तो गाइस, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम जहाँ से पंचोखा के लिए बालू लाते थे वहाँ पे हमारा घर बनने वाला है, तो वहाँ पे काम स्टार्ट हो गया, तो चलिए चलते हैं वहीं पे। अभी तो वहाँ पे सिर्फ गड्ढा जो होता है ना बुनियादी के लिए, तो वो भी बन रहा है, तो चलते हैं वहीं पे। गाइस, हमारा यहाँ पे बनने वाला है न्यू घर, उधर तो काम चल रहा है घर का, अभी तो तुरंत नहीं बनने वाला, बस पिलर बन रहा है, ये सब फसल जब बन के पक के तैयार हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे खड़ा होगा घर। गाइस, यहाँ पे तो मेनली 2 गड्ढे हो चुके हैं, 2 तो उधर हो ही रहे हैं, जब आए हैं बारी तो फिर थोड़ा घूम ही लेते हैं बारी में।
हमारा जो खेत है सो रोड के जस्ट किनारे ही पड़ता है, देख सकते हैं आप सामने रोड है, आपको तो दिखना ही होगा। अभी देखिए गाड़ी एक पार होगा दिखा आपको, तो हम जा रहे क्रिकेट खेलने, हमारे साथ जा रहे हमारे घर के पड़ोसी, चलिए दिखाते हैं हम कहाँ पे खेलते हैं क्रिकेट। अभी तो हम रास्ते में ही हैं, ये रहे बगल तो चारों ओर हरियाली ही हरियाली, अभी तो फसल कटने का टाइम तो आ ही गया है, तो अभी फसल कट ही रही। सामने जो आपको दिख रहा होगा एक शायद बरगद का पेड़ है, तो उसी के आगे जाके क्रिकेट खेल रहे सब, तो चलते हैं। भैया तो वहाँ पे एम्पायरिंग का काम कर रहा है, रेड टी शर्ट वाले ही है और बाकी सब कोई तो खेल ही रहा है। अगल बगल खेलने से यही प्रॉब्लम होता है कि गेंद बार बार गुम हो जाता है। तो गाइस अभी क्रिकेट विकेट खेलना हो, हम जा रही है घर। हे गाइस तो हम क्रिकेट के फील्ड से घर आ गए, आए तो बहुत टाइम हो गया, वो तो यहाँ पे बैठी हुई है, हम आपको दिखाते हैं कि रात का खाने का तैयारी हो रही है। माँ तो यहाँ पे रात को भी सरसों निकाल रही है, आपको दिखाते कि भी रात का खाने का तैयारी हो गया। गाइस अभी तो पिज्जा बनाया जा रहा है, यहाँ पे बन ही रहा है, कुकर में बन रहा है, आज रात का खाना तो पिट्ठा है, कोई नहीं चावल का पिट्ठा, पिट्ठा मतलब रहता है तो आटे का भी रहता है और चावल का भी रहता है, तो बन रहा अभी चावल का, तो कोई नहीं। तो गाइस तो भी आपने देखा कि रात का खाने का तैयार हो रहा है, तो अब मैं यहाँ पे करता हूँ ब्लॉग को एंड। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हो सके तो एक अच्छा वाला कमेंट करें। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड बी सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गर्मा गर्म पीठ और उसके साथ भी थोड़ी सी चटनी।